बल्कि दो देशों में मॉरिशियस और यूके, इन दोनों में भी गीता जयंती के कार्यक्रम होंगे इस बार। बुलाए हम लोग क्या हुआ कार्यक्रम करें, तो इस प्रकार से अपने देश का जो एक विचार है वो दुनिया में फैल रहा है। लेकिन इसको एक सीमित स्थिति तक रखने से तो काम नहीं चलेगा, इसका प्रभाव बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा प्रभाव बनाने के लिए अपने देश में ही इसको जिसको कहना चाहिए बड़ी एक संजीदगी से और बड़े गंभीरता से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज जब हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, ये ठीक है सरकार को भी एजुकेशन दे रही है, एक बड़ा बजट लगा के दे रही है, और एक आपस में द्वंद भी बना हुआ है इस शिक्षा पद्धति में कि उधर अध्यापक प्राध्यापक सब कहते हैं हमको क्या मिलेगा, हमको इतना मिलता है क्या मिलता है, जैसे आपने सब उदाहरण दिए कि रोजाना हमें प्रथम उसमें भाव बढ़ना चाहिए, हर वर्ष बढ़ना चाहिए, और उसमें बड़ा बजट ये लगा है, बजट भी आकर कहां से आएगा, समाज से आएगा, और इधर फ्री एजुकेशन देनी है तो फ्री एजुकेशन का भी इसमें एक भी ऐसा विषय नहीं सोच सकते कि इस पैसे को लगाया जाए, पैसा लगाया जाए, अन्यथा ये हो जाएगा कि गरीब आदमी शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा। तो इस द्वंद्व में से सरकार निकल रही है। हम तो ये कहते हैं कि इस गुरुकुल पद्धति के माध्यम से यदि सरकार से, क्योंकि शिक्षा देने का सारा काम तो सरकार नहीं कर सकती, लेकिन सरकार सुविधाएं तो कर सकती है। उस सुविधाओं में इतनी घोषणा मैं करता हूं कि इस प्रकार के अध्यापक निर्माण करने की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खड़ी करनी हो सरकार के द्वारा, हम वो व्यवस्था खड़ी करके देने के लिए तैयार हैं। अर्थ प्रकाश, वेब टीवी।